स्टार्टिंग से वैसे देखा जाए तो डैडी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे तो पहले तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया था फिर मैंने चुपके से भाई से वगैरह आजू बाजू के लोगों से देख देख के थोड़ा बहुत बाइक चलाना सीख लिया था मैंने जब अर्न करना शुरू कर दिया तो थोड़ी मैं डोमिनेटिंग हो गई थोड़ी पावर मुझ में भी आ गई कि हाँ मैं खुद अर्न कर सकती हूँ अभी पापा से तो बाइक मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं आई कैन बाई माई ओन बाइक जब मैंने खुद के पैसे से बाइक खरीदी और डैडी को दिखाया डैडी सी दिस इज़ माई न्यू बाइक तो डैडी थोड़े से अपसेट हुए एज अ फीमेल राइडर घर से अपोज होता था पर जब उनको भी कॉन्फिडेंस दिया मैंने कि हाँ मैं ये राइड कर सकती हूँ पापा को मैं हमेशा बताती थी मेरे राइड एक्सपीरियंस में क्या इन्जॉय कर रही हूँ और मेरे पापा भी चाहते थे कि ऐसे लॉन्ग राइड्स या फिर कार राइड्स वो करें तो जब मैं उनको बताती थी मेरे स्टोरीज वो भी बहुत खुश हो जाते थे कि जो जो चीज़ मैंने नहीं की वो मेरी बेटी कर रही है तो ऐसे उनका जो नो नो था वो येस में बदल गया इकट्ठे तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतना कि मैं बाइक खरीद सकूं। लोन लेने के बाद मैं मेरे जो ड्रीम्स है वो सब कंप्लीट मतलब कंप्लीट कर सकी इजीली अगर मैं वेट करती थी अब तक तो पैसे इकट्ठे करके मेरे हाथ में बाइक भी नहीं आती थी, थी मतलब तो लोन ने वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ड्रीम कम्प्लीट कर सकूँ मैंने ऐसे बहुत चैनल ढूँढे पर सभी चैनल्स बाइकिंग के लिए सिर्फ मेल डोमिनेटिंग uh, थे वहाँ पे मुझे फीमेल्स नज़र नहीं मतलब फ़ीमेल्स दिखाई नहीं दी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ये सब चीज़ें कर सकती हूँ तो दैट टाइम आई क्लिक कि हाँ ये सब मैं खुद हो के कर सकती हूँ और फिर मैंने एडिटिंग वगैरह ये जो सब सब फ़ोटोशॉप या फिर हाउ टू डू शूटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें सीखी तो ये सब चीज़ें सीखने में मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और फाइनेंस भी किया तभी क्योंकि एक दो साल तक मैं तो घर पे ही थी ये सब चीज़ें सीखने में एक दो साल चले गए सो दैट टाइम ही वो ही सपोर्ट्स मी सी बाइक का बाइक uh, मैंने तो जो डाउन पेमेंट था जो पहली बाइक थी वो सेल करके मैंने डाउन पेमेंट कर दिया बाइक का एंड करंटली uh, uh, मैं मेरा जो फैमिली बिजनेस है uh, वो भाई के साथ कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत अर्निंग वहाँ से भी हो जाता है और मैं खुद भी यूट्यूब से कुछ कमाती हूँ और फिर uh, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहते हैं एडिटिंग रहो uh, या फिर कुछ ऐसे शूटिंग के कुछ प्रोग्राम्स uh, जो जो कुछ भी काम मिल जाता है वो काम करके मैं मेरी बाइकिंग की हॉबी पेट्रोल एक्सपेंसिस बाइक का लोन ये सब चुकाती हूँ और एज़ अ वूमन मुझे ऐसे हमेशा फ़ील होता है कि हमें खुद हो के एटलीस्ट हमारे खर्चे तो निकलने ही चाहिए इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और आ, मैं खुद के खर्चे खुद की राइड्स खुद स्पॉन्सर करती हूँ इसीलिए किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे क्योंकि मैं फ़ाइनेंशली फ़िट हूँ सही बाइकिंग है तो रिस्क तो होनी है जब से मैं जॉब करती हूँ तब से मैं फुल्ली इंश्योर्ड हुई जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है पार्शल डिसेबिलिटी जो अलग राइडर्स रहते हैं वो भी मैंने ख़रीद लिए है क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है अ, मेडिकल इमरजेंसी जब आती है तब पैसों की बहुत ज़रूरत होती है तो इसी मैंने जब से मैं वर्किंग हूँ तब से मैंने मेरे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकाली है स्पेशली एक्सीडेंटल पॉलिसी है जब मैं बाइक राइड करती हूँ तो मैं फुली कवर्ड होती हूँ तो फिर मुझे आ, अगर कुछ मिसैप होता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं फैमिली को भी इमरजेंसी में पैसे इकट्ठे करने की भी जरूरत नहीं आ, और कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने बाइक में भी किया है इट इज़ माई इन्वेस्टमेंट ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है दैट्स वॉट आई फील कि मैंने इस पर कुछ पैसा लगाया है और आगे जाके इससे कुछ अर्निंग हो सकता है मेरा एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो मैं मेरा पैशन परस्यूव कर सकती हूँ इस इन्वेस्टमेंट से मेरा एक सपना भी है कि गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल मैं शुरू करूँ इसके लिए भी मैं मेरे जो इन मतलब छोटे छोटे इनकम हैं वो सब मैं मतलब अलग से रख रही हूं कि जो करके मैं इंडिया में मैं जहां पे रहती हूं पुणे में वहाँ एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल करूं मैं लड़कियों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप आपकी पैशन हमेशा फॉलो करो हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा रिस्क होता है बट यू नो जब आप आपकी पैशन फॉलो करते हो तो आपका जो डेडिकेशन है वो हंड्रेड हो जाता है और डेफ़िनेटली आपको रास्ते मिल जाते हैं अर्निंग के बोल सकते हो आप या फिर आपकी पैशन है उसे परस्यू करने के बहुत सारे वेज़ खुल सकते हैं